हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे लेसन नंबर टू का जो आपका चल रहा था स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य आपको मैंने कल बताए थे। इनमें मुख्य कार्य मैंने आपको कल समझा दिए थे। तो प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं, वो पहला कार्य निर्णयात्मक कार्य थे, जिसमें अलग अलग उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके बाद सेकंड जो कार्य था वो मंशा जानना था कि कौन कौन जो हैं अधिकारी, उनकी क्या क्या इच्छा होती है। थर्ड जो था न्याय संबंधी कार्य, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध के सहायक कार्य। सहायक कार्य में जो फर्स्ट कार्य है, उद्देश्य निश्चित करना और नीतियाँ निर्धारण करना, यानी जो सर्वोच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं, यानी फर्स्ट लेवल जो मैनेजमेंट होता है, वो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, फर्स्ट लेवल होता है, फिर उसके नीचे सेकंड लेवल होता है, उसके नीचे थर्ड लेवल होता है। ये तीनों ही लेवल जो है मैनेजमेंट के लेवल हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है वो आपके उच्च स्तरीय प्रबंध है। अब ये क्योंकि सर्वोच्च पद पर काम करने वाले अधिकारी हैं, इसलिए इनके जो कार्य हैं वो सबसे मेन कार्य है इनका, कि संस्था को या कंपनी को उसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को निश्चित करना और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम या नीतियां निर्धारण करना। इसके बाद जो भी आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सेकंड की तरफ और सेकंड से थर्ड की तरफ जो है आदेश निर्देश प्रसारित करते हैं। तो इनका जो दूसरा सहायक कार्य है वो आदेश प्रसारित करना। इसके बाद ये विचार विमर्श भी करते हैं। तो इनके ऊपर जो आपके अंशधारी होते हैं, अंशधारियों से और आपके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल से, ये आपस में जो है वो विचार विमर्श भी करते हैं कि किस तरीके से कंपनी का जो उद्देश्य है उसको निश्चित करके और उसको प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद ये बजट स्वीकृत करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी आपके उद्देश्य डिसाइड किया गया है, निश्चित किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा आएगा वो बजट क्या होगा, और उस बजट की स्वीकृति भी जो है उच्च प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। इसके बाद होता है दीर्घकालीन स्थायित्व। संस्था जो है वो अल्पकाल के लिए नहीं कार्य करती, बल्कि संस्था कार्य करती है दीर्घकाल के लिए। तो इनके द्वारा जो नीतियाँ डिसाइड की जाती हैं, जो उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, वो उद्देश्य और नीतियाँ ऐसी होती हैं जो दीर्घकाल तक चले, जिससे कि जो कंपनी है वो दीर्घकाल तक जो है प्रगति करती रहे। तो ये दीर्घकालीन स्थायित्व लाने का प्रयास भी करते हैं। ये इस प्रकार से नीतियाँ निर्धारण करते हैं कि वो दीर्घकाल तक जो है वो कंपनी को लगातार तरक्की देती रहें। परिणामों की जांच। अब क्योंकि ये उद्देश्य निश्चित करते हैं कंपनी को क्या करना है, क्या बनाना है, कितने समय में बनाना है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये उसके परिणाम की जांच भी करते हैं। समय समय पर ये देखते रहते हैं कि जो भी उनके द्वारा जो उद्देश्य निश्चित किया गया है वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो परिणामों की जाँच करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। स्वेच्छा से कार्य। अब क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वो द्वितीय स्तर के प्रबंध को और तृतीय स्तर के प्रबंध को जो है कार्य करवाने का कार्य करता है, तो ये ज़्यादातर इस प्रकार का मोटिवेशन देते हैं या अभिप्रेरित करते हैं कि जो इनके नीचे कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं वो स्वेच्छा से कार्य करें और आगे से आगे बढ़ करके अपने हिसाब से अच्छा कार्य करें। फिर जो आपके 8th पॉइंट है वो है मितव्यता से कार्य। अब क्योंकि कंपनी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना कम से कम खर्चा होगा, यानी कॉस्ट जितनी कम आएगी, कंपनी उतने ही ज़्यादा लाभ कमा सकती है। तो इसलिए इनका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है या महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो कार्य है उसमें मितव्यता भी आए, यानी उसमें बचत हो। इसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है मुख्य अधिकारियों का चयन करना। अब क्योंकि ये टॉप लेवल पर बैठे हुए अधिकारी हैं, तो इनके नीचे लेवल पर जो प्रबंधक हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद है संपत्तियों की सुरक्षा करना। अब जैसे मशीन है, कैपिटल है, आपके कच्चा माल है, जो भी जितनी भी संपत्तियां हैं व्यवसाय में, ये सारी संपत्तियां क्योंकि मालिकों के द्वारा दी गई संपत्तियां हैं, तो ये इनका दायित्व हो जाता है कि वो उन संपत्तियों की सुरक्षा करें। ये आपके कंप्लीट जो कार्य हैं, मुख्य कार्य और सहायक कार्य, ये सारे कार्य जो हैं ये उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य हैं। अब कल हम पढ़ेंगे द्वितीय स्तर यानी मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य।